वेलकम टू द प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों बात करते हैं प्लास्टिक बॉटल की। क्या प्लास्टिक बॉटल वर्थलेस है? क्या ये बेकार हो चुकी है? अगर आप एक बार पानी पीते हो, फेंक देते हो, क्या वो बोतल बेकार हो जाती है? आज हम उसके बारे में समझेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बॉटल्स का हम यूज़ करके एक बार पानी पी के फेंक देते हैं, ये बोतल वर्थलेस नहीं होती। दे आर प्राइसलेस। वो इनफैक्ट एक तरीके से कहें तो वो प्राइसलेस है। प्राइसलेस क्योंकि इट हैज़ इनफाइनाइट वैल्यू। उसकी जो कीमत है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि हम इसको बार बार रिसाइकल कर सकते। इसकी पोटेंशियल, इसकी जो इसमें एनर्जी है जो, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती। बट ओनली इफ़ कब, जब हम इसको प्रॉपरली रिसाइकल करते हैं। प्रॉपरली जो प्रॉपर चेन होता है उस पर रिसाइकल होके वो क्या है, कंपनीज इंडस्ट्रीज तक पहुंचनी चाहिए वो बॉटल पूरी तरीके से। तभी हो पाता कि क्रश किया हमने, उसको फेंक दिया और इनफाइनाइट जगह, ऐसी जगह पे लैंडफिल करा दिया जहाँ से वो उठ के ही नहीं जा पा रही। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है, जो लूप होल्स हैं इन्हें हमें कवर करना है। तो बॉटल्स क्या होती हैं, जब हम थ्रो कर देते हैं इनको, तो अगर ये प्रॉपर वे में जाती हैं बाहर इंडस्ट्रीज वगैरह में, जहाँ पे हम वापस इसको रिसाइकल करके बना सकते हैं, तो इसकी कीमत जो है वो इनफाइनाइट है। इसकी वैल्यू जो है वो अनमैचेबल है। क्या हुआ, हमने इसको वापस क्रश किया, इसके जो वापस इसको हम स्क्रैप करेंगे तो क्या होगा, इट्स गोइंग बैक टू बेसिक्स। अब उसके बाद हमने इसको पॉलीमर दाने के रूप में इसको वापस कन्वर्ट कर लिया पीईटी मटेरियल को, या जिस मटेरियल का भी आपका है प्लास्टिक। उसके बाद हम उसको इंजेक्शन करा के प्रीफॉर्म तैयार कर लेते हैं। प्रीफॉर्म वापस से आप देखिए, प्रीफॉर्म हमारा तैयार हो गया इंजेक्शन प्रोसेस से। अब इसके बाद हम इस प्रीफॉर्म को ब्लो करा के एक बॉटल का शेप दे देंगे। ये वही बॉटल है जिससे आप पानी पी रहे थे। वापस हम इसको रिसाइकल करके बॉटल बना सकते हैं ईजिली। तो ये खासियत है प्लास्टिक की, जो कि हम बहुत ईजिली कर पाए। बहुत ज़्यादा इसमें सिस्टम नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमें वो लूप होल्स कवर करने हैं जहाँ से हमारे बॉटल जो है वहाँ तक वापस इंडस्ट्रीज में नहीं पहुँच पाता। इसके लिए आप सभी लोगों की ज़रूरत है। सब लोग हेल्प करिए कि जो प्लास्टिक का वेस्ट है उसको अलग तरीके से अलग जगह पर डंप किया जाए। थोड़ा गवर्नमेंट को भी इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो फिर क्या होगा, अगर हम इस जो सर्कुलेशन की चेन है इसको सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली